हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नईन बाइक फीचर पर। तो दोस्तों, आज हमारे पास स्प्लेंडर बाइक आई है, न्यू बाइक है, 29,000 किलोमीटर चल चुकी है। इस बाइक के अंदर डालने वाले हैं हम क्लच पेड, नॉर्मल जो क्लच पेड थी वो हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। इस बाइक के अंदर हम डालने वाले अपाची RTR 160cc की क्लच पेड। ये क्लच पेड इस बाइक के अंदर डालने वाले हैं, इससे इसका पिकअप डबल हो जाएगा। जो नॉर्मल बाइक आती है उसके अंदर 4 क्लच पेड आती है, लेकिन जो अपाची बाइक है उसके अंदर 5 क्लच पेड आती है। और हम इस बाइक के अंदर डालने वाले हैं 4। तो पहले मैं इसकी जो क्लच पेड है बहुत ही बढ़िया है, तो वो दिखाता हूँ मैं खोलकर इसके अंदर किस तरह की पैकिंग आती है क्लच पेड की। तो ये क्लच पेड इसके अंदर है, डब्बे से बाहर निकाल कर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये है इसकी क्लच पेड, जो कि बहुत ही पैकिंग अच्छी एकदम बढ़िया दी है इसको, जो फोड़ने का मज़ा ही कुछ हो जाता है। तो इस बाइक के अंदर ये क्लच पेड डलने वाली है, अपाची वाली क्लच पेड, जो कि आप देख सकते हो 5 क्लच पेड है। इसके अंदर हम 4 डालने वाले हैं, क्योंकि स्प्लेंडर कोई भी बाइक हो ऑल टोटल जिसमें 4 की रहते हैं उसके अंदर 4 ही क्लच पेड आते हैं, तो हम इसके अंदर ये डालने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ आए कि वाकई में इसका पिकअप है, वाकई में इसका जो पिकअप है एकदम बढ़ता है नहीं बढ़ता। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो इसका जो क्लच पेड काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चलाकर चेक करते हैं वाकई में इसका बाइक का पिकअप वो कितना हो चुका है। तो आवाज़ भी एकदम साइलेंट हो जाती है क्लच पेड जब भी चलती है नई वाली। तो इसका पिकअप एकदम शानदार हो चुका है, मतलब क्लच छोड़ते हैं ऐसा लगता है बाइक पूरी ऊपर उठ जाएगी। अब इसको आगे हाईवे पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, वाकई में इसका पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देखो आप देख सकते हो एकदम फुल पिकअप आ गया, गाड़ी पूरी ऊपर से उठा दो बाइक का मन एकदम दिल खुश हो गया है। तो वाकई में दोस्तों, RTR वाली क्लच पेड आने से बाइक का पिकअप बढ़ जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।